हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इमरान मार्बल फ्लोरिंग डिज़ाइन। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टूल जिसको बोलते हैं एयर सेक्शन कप। दोस्तों, इससे आप बड़े से बड़े पत्थर को उठा सकते हैं। जैसे नॉर्मल जो पत्थर होते हैं दोस्तों, उसको हम बड़ी आसानी से उठा के और फिटिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जैसे ग्रेनाइट के अंदर, मार्बल के अंदर जो बड़ी बड़ी स्लैब होती है दोस्तों, जब उसको उठाते हैं, फिटिंग करते हैं, तो कभी कभी हमारा हाथ आ जाता है, जैसे हमारे हाथ पर चोट वगैरह भी लग जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर जो मैं आपको टूल दिखाने जा रहा हूँ, इससे आप बड़ी से बड़ी स्लैब को उठा सकते हैं और आराम से आप फिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर पूरा अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाएंगे दोस्तों, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको जो पिछले वीडियो के अंदर जो सेक्शन कप वगैरह दिखाया था दोस्तों, तो ये जो हमारे पास में सेक्शन कप है आप देख रहे हैं, तो इनसे हम टाइल्स वगैरह उठा सकते हैं। लेकिन हम जब मार्बल वगैरह उठाते हैं दोस्तों, ग्रेनाइट उठाते हैं, तो इसके अंदर शिकायत आती है, जैसे कि ये ग्रेनाइट वगैरह को छोड़ देता है, तो इसके अंदर इतनी ताकत नहीं बन पाती। तो ये जो सेक्शन कप है दोस्तों, ये हमने आपको पिछले वीडियो के अंदर दिखाए थे। तो आज के वीडियो के अंदर जो मैं आपको नया टूल दिखाने जा रहा हूँ, ये है एयर सेक्शन कप। इसके अंदर है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी है, इससे आप ग्रेनाइट, मार्बल और टाइल वगैरह भी उठा सकते हैं। तो इसको खोल के आपको दिखाते हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से ये पैकिंग के अंदर आएगा। ये जो बॉक्स है दोस्तों, काफ़ी अच्छा बॉक्स है, तो बॉक्स के अंदर आप काम करने के बाद में आराम से इसको रख सकते हैं। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, इसके अंदर जो भी सामान वगैरह आता है वो भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो आप बॉक्स देख सकते हैं दोस्तों, पूरा खाली हो चुका है। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके साथ में ये कैटलॉग आता है, इसके अंदर जो भी इसको हम काम लेते हैं, तो इसके अंदर फोटो वगैरह बनी हुई है दोस्तों, तो इसको हम साइड में कर देते हैं और इसको हम आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, और इसके साथ में ये जो सामान आते हैं दोस्तों, जैसे कि इसके अंदर पंप लगा हुआ आता है, तो पंप के लिए एक्स्ट्रा जैसे मतलब पार्ट्स वगैरह कंपनी देती है, तो इसके साथ में एक ये भी पार्ट्स है, तो ये एक्स्ट्रा है दोस्तों, इसको भी हम साइड में कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं ये सेक्शन कप, इसके अंदर मीटर वगैरह लगा हुआ है दोस्तों, और नीचे आप देख सकते हैं इसका, अगर साइज़ की हम बात करते हैं दोस्तों, तो तकरीबन इसका साइज़ है 8 इंच का, यह 8 इंच का पूरा राउंड है दोस्तों इसका। और इसके नीचे यहाँ पे कैप लगा हुआ है, जो सेफ तरीके से हम कैप को काम करने के बाद में वापस इसके ऊपर लगा सकते हैं, और काम करने के दौरान इसको निकाल के हम साइड में रख देते हैं। अब दोस्तों, इसके नीचे जो रबड़ लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हैवी रबड़ है दोस्तों, जैसे कि इसके नीचे एयर जो होती है दोस्तों, वो बाहर निकालता है, फिर उसके बाद में जैसे हम पत्थर के ऊपर लगा के, और हमें इस जगह पे पीछे यहाँ पे पंप लगा हुआ है, इसको हमें पंप करना होता है। पंप जब करेंगे दोस्तों, तो इसके नीचे जो भी एयर होगी वो बाहर आ जाएगी, बाहर आने के बाद में ये पूरी अच्छे तरीके से जैसे पत्थर के ऊपर चिपक जाएगा, फिर आप कोई भी पत्थर को उठा सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है दोस्तों, पत्थर वगैरह वेट उठाने की, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मीटर लगा हुआ है दोस्तों, जैसे कि हम इसके अंदर जब पंप करेंगे, तो जो एयर होगी इसके नीचे की तरफ वो बाहर आएगी, तो मीटर यहाँ पे आपको बताएगा कि कितना एयर बाहर आ चुका है। तो इसके अंदर दो लाइन बनी हुई है दोस्तों, एक रेड और एक ग्रीन, तो मैं आपको बताऊँगा जब इसको हम चिपकाएंगे। तो दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी टूल है, आप देख सकते हैं, और पूरा 8 इंच का इसका राउंड है दोस्तों, और इसको जब हम लगा के और फिर उठाते हैं, तो किसी भी पत्थर को उठा सकते हैं, जैसे मार्बल, ग्रेनाइट और टाइल वगैरह को भी उठा सकते हैं। ये बिल्कुल भी आपका टाइल्स जस्ट उठाने के दौरान कभी भी पिसलेगी नहीं, निकलेगी नहीं, इसके अंदर से काफ़ी मजबूती के साथ ये पकड़ बना के रखता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इससे पत्थर वगैरह उठा के दिखाता हूँ। अब दोस्तों, आप जो ये सेक्शन कप देख रहे हैं, इसको मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, इसके अंदर जो पंप लगा है दोस्तों, ये तकरीबन 200 mm का पंप है, तो ये पंप को हम यहाँ पर वापस लगा देंगे, और यहाँ पे आगे जब हम इसको लॉक करते हैं दोस्तों, जब लॉक होने के दौरान जब इसको पत्थर पे से हटाना होता है, तो यहाँ पे हम इसको दबाएंगे, स्विच है, तो इसको दबाते ही ये लॉक हट जाएगा, और आप फिर उसके बाद में आप इसको हटा सकते हैं। और ये जो आप मीटर देख रहे हैं दोस्तों, मीटर के अंदर दो लाइन बनी हुई है, एक रेड और एक ग्रीन, जब ये ग्रीन लाइन पर सुई आ जाएगी दोस्तों, तो ये पूरी अच्छी तरीके से कन्फर्म हो जाएगा कि ये पूरा चिपक चुका है। अब दोस्तों, जैसे कि ये जो पत्थर आप हमारे पास में देख रहे हैं, इसका वेट है तकरीबन 15 किलो का, इसको हम आपको उठा के दिखाएंगे। और पहले हम पत्थर के ऊपर आपको कपड़ा लगाना है, जो भी मिट्टी धूल जो भी लगा हुआ है दोस्तों, इसको साफ़ करके फिर आपको इसको लगाना है। तो लगाने से पहले ये जो कैप है दोस्तों, इस कैप को हम हटा देंगे, और इसके बाद में इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। रखने के बाद में यहाँ से हमें इसको पंप करना है, इसको हम जैसे ही दबाएँगे दोस्तों, तो ये पंप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पंप हो चुका है दोस्तों, ग्रीन लाइन पे आ चुका है। अब हम इसको आपको उठा के दिखाते हैं। तो इस तरीके से आप पत्थर को उठा सकते हैं, किसी भी पत्थर को आप उठा सकते हैं, जो पॉलिश वाला पत्थर आता है जैसे मार्बल, ग्रेनाइट वगैरह को आप उठा सकते हैं। अब दोस्तों, इसको जब हम हटाएंगे, तो यहाँ से हम इसको दबाएंगे, तो अब हम इसको हटा सकते हैं।
इस तरीके से। अब वापस हम इसको लगाएंगे और आपको एक बार और इसके ऊपर वेट वगैरह रख के आपको इसकी ताकत वगैरह दिखाते हैं। दोस्तों इसका जो वेट उठाने की जो क्षमता है दोस्तों, वो आप पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपके हाथ में ताकत कितनी है, आप कितना वेट उठा सकते हो उस हिसाब से। ये तो बहुत ज़्यादा वेट उठाता है दोस्तों, लेकिन वो आपकी जब ताकत होगी वेट उठाने की, जैसे आप 100 किलो वेट उठा सकते हैं या 150 किलो उठा सकते हैं, तो आप इससे बड़ी आसानी से उठा सकते हैं। तो अब जो हमारे पास में ये पत्थर वगैरह है दोस्तों, इनको इसके ऊपर रख के और आपको वेट उठा के हम दिखाते हैं। तो पहले हम इसको पहले लॉक करेंगे, तो ये लॉक हो चुका है। अब हम इसके ऊपर यहाँ पे पत्थर को रखेंगे और ये हमारे पास में बाट है, तो इसको यहाँ पे, और ये 5 केजी का बाट है, तो इसको यहाँ पे रख के और उठा के आपको दिखाते हैं। दोनों हाथ से उठा रहे हैं दोस्तों, क्यों ताकत कम है हमारे पास में, तब आप देख सकते हैं इतना ज़बरदस्त चिपकता है दोस्तों, ये छोड़ने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। जो भी आप बड़ी से बड़ी जो स्लैब वगैरह को उठा रहे हैं दोस्तों, तो बड़ी आसानी से उठा के और उसको फिटिंग वगैरह कर सकते हैं, चोट वगैरह भी लगने का आपका बिल्कुल भी चांस नहीं बनेगा। दोस्तों जब हम इसको चिपकाते हैं इसके ऊपर, तो अगर आप इसको चिपका के और 24 घंटे के लिए अगर छोड़ भी देंगे दोस्तों, तब भी ये अपना एयर नहीं बनाएगा नीचे और नहीं उतरेगा। जब आप इसको यहाँ से हटाएंगे तभी ये हटेगा दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी टूल है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब अगर आप इसको खरीदते हैं दोस्तों, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको पूरा इसका एक डेमो दिखाया है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा वेट उठाता है। अगर आप जैसे बिना देखे अगर आप इसको खरीदते हैं, जैसे कोई भी टूल्स वगैरह खरीदते हैं, तो उसके अंदर हमारे रिस्क रहता है दोस्तों, जैसे हमारे पैसे वगैरह लग जाते हैं। लेकिन ये जो टूल्स है दोस्तों, पूरा डेमो मैंने आपको दिखाया, काफ़ी ज़्यादा वेट उठाता है, काफ़ी हैवी ड्यूटी टूल है। तो इसको अगर आप खरीद रहे हैं दोस्तों, तो बेफिक्र होकर आप इसको खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा, हमने पूरा आपको इसका डेमो करके दिखाया है, काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी टूल्स है। अब अगर इसका प्राइस वगैरह आपको जानना है दोस्तों, तो इसका जो प्राइस है दोस्तों 3,500 रुपये, 3,500 रुपये में ये मिलेगा दोस्तों आपको। अगर आपको इसको खरीदना है तो आप कैसे खरीदेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। वीडियो की स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप मैसेज करके इसका ऑर्डर वगैरह लिखा सकते हैं और इसको आप खरीद भी सकते हैं। इसका जो पेमेंट रहेगा 1,000 रुपये एडवांस रहेगा, बाकी का जो पेमेंट रहेगा वो कैश ऑन डिलीवरी रहेगा। जब आपके घर पर यह सामान पहुँचेगा दोस्तों, तो बाकी पेमेंट आपको उस समय करना होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा वीडियो है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया दोस्तों, तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में आगे शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।